नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट और मैं हूं आपके साथ शमशेर सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने ट्वीट किया है, बड़ी जानकारी आ रही है पंजाब से, जहां भगवंत मान ने ट्वीट किया है पंजाब में प्रदूषण रोकने को लेकर मीटिंग हुई है। भगवंत मान ने कहा है वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के चेयरमैन इसमें शामिल हुए हैं। एमएम कुट्टी के साथ वायु गुणवत्ता प्रबंधन पर मंथन किया गया है। प्रदूषण रोकथाम के लिए ठोस कदम उठाएंगे, भगवंत मान ने कहा है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, पंजाब के सीएम भगवंत मान ने ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने प्रदूषण को रोकने के लिए मीटिंग को लेकर जानकारी दी है ट्वीट के माध्यम से, और ये कहा कि वायु की गुणवत्ता को कैसे बेहतर किया जा सकता है इसको लेकर चेयरमैन से बातचीत की गई है मीटिंग के जरिए। अनिल हमारे सहयोगी चंडीगढ़ से इस खबर पर ज्यादा जानकारी हमें देंगे। अनिल, लगातार सवाल उठता है जब पराली प्रबंधन की बारी आती है, पराली के जलने की वजह से वायु की गुणवत्ता खराब होती है और उसको लेकर पंजाब भी घिर जाता है, हरियाणा को भी घेर लिया जाता है, दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का जिम्मेदार उसको ठहराया जाता है। आज एक महत्वपूर्ण बैठक हुई है, इस बैठक के क्या मायने निकाले जा सकते हैं अनिल? देखिए, काफी अहम मायने इस बैठक के हैं क्योंकि अब जिस तरीके से धान की बिजाई शुरू हुई है के बाद जब कटाई होगी और फिर पराली जलेगी, प्रदूषण का एक मुद्दा रहता है लगातार दिल्ली की तरफ से। बार बार जिस तरीके से दिल्ली में प्रदूषण बढ़ता है, वायु प्रदूषण, उसको लेकर फिर सवाल उठाए जाते हैं पंजाब और हरियाणा को लेकर भी। अभी से पंजाब में एक तैयारी देखने को मिल रही है क्योंकि अब से पहले दिल्ली सरकार की तरफ से हरियाणा और पंजाब से पराली जलने का एक मुद्दा उठाया जाता था, लेकिन इस बार पंजाब में सरकार आम आदमी पार्टी की है। ऐसे में एक व्यवस्था किस तरीके से सुधरे पंजाब में, शुरुआत से ही पराली कम से कम किस तरीके से जले, वायु प्रदूषण को किस तरीके से रोका जाए, इसको लेकर अभी से एहतियाती कदम उठाए जाने की शुरुआत हो गई है। आज एक अहम बैठक का इसको लेकर की गई है मुख्यमंत्री की तरफ से, और इस बैठक में तय किया गया कि किस तरीके से केंद्र सरकार को भी इस बैठक के माध्यम से, बैठक में तय किया गया है कि केंद्र सरकार से मांग की जाएगी कि वो इसमें जो भी मुआवजे का प्रावधान है, जो भी सहायता है वो मुहैया करवाई जाए। साथ ही ये भी चर्चा हुई है कि किस तरीके से पराली को रोक जलने से रोकने के लिए सरकार एहतियाती कदम उठा सकती है। अभी ये शुरुआत है। आज हालांकि विधानसभा का आखिरी सत्र का आखिरी दिन है बजट सत्र का, और इसके बीच ही मुख्यमंत्री की तरफ से ये बैठक भी ली गई है। हालांकि बैठक के बाद उनकी तरफ से ट्वीट करके इसकी जानकारी दी गई है कि वायु प्रदूषण रोकने के लिए एक अहम बैठक ये आज की गई है। बिल्कुल अनिल, जैसे आपने कहा कि केंद्र सरकार से वायु प्रदूषण को रोकने के लिए बेहतर प्रबंधन के लिए कोई बातचीत को लेकर जैसे चर्चा हुई, कोई मदद की बात होती है, लेकिन क्या पंजाब सरकार भी किसानों को वायु प्रदूषण रोकने के लिए, पराली जलाने से रोकने के लिए कोई प्रोत्साहन करने के लिए कोई ऐलान, बड़ा ऐलान कर सकती है? बिल्कुल, देखिए आप करने होंगे, ऐलान करने होंगे क्योंकि जिस तरीके से पिछले समय में एक बड़ा मुद्दा रहा पराली को लेकर, तो यहाँ पर अब पंजाब सरकार की तरफ से कुछ बड़े प्रयास करने होंगे। किसानों को अगर पराली जलाने से रोकना है तो उसके लिए उन्हें मदद भी करनी होगी सरकार को, या सरकार को कोई ऐसी योजना बनानी होगी जिसके तहत किसान जिनकी तरफ से धान की बुआई की जाती है, कटाई के बाद जो अवशेष रहते हैं जिसे पराली कहा जाता है, उसको किस तरीके से उसको हटाया जाए, खेत से जलने से रोका जाए, इसके लिए सरकार की तरफ से या तो सीधा जो तमाम किसान है उनके खातों में पैसा डाला जाए, या कोई ऐसी योजना सरकार की तरफ से बनाई जाए जिसके माध्यम से खुद सरकार कोशिश करे कि उनके खेतों से उस पराली को उठा लिया जाए ताकि किसानों को उसे ना जलाना पड़े। तो यहाँ पर बहुत अहम बात अनिल आप कर रहे हैं, इसमें पंजाब सरकार को भी महत्वपूर्ण कदम उठाने पड़ेंगे, केंद्र सरकार से भी मदद को लेकर कहीं ना कहीं पंजाब सरकार की उम्मीदें हैं, और ऐसे में पराली के बेहतर निस्तारण के लिए किसानों को भी प्रोत्साहित करने की जरूरत है। अब तीन तरफा प्रयास होंगे तब जाकर पराली के प्रबंधन को, उसके निस्तारण को लेकर कोई बेहतर विकल्प नजर आ सकता है। बहुत शुक्रिया अनिल इस पूरी जानकारी के लिए। तो महत्वपूर्ण बैठक, पंजाब के सीएम भगवंत मान ने इस बैठक के बाद ट्वीट किया है, प्रदूषण को रोकने के लिए मीटिंग हुई है और इसमें वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के चेयरमैन शामिल हुए हैं।